मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते वार से सिंध हुकूमत ने हफ्ते में दो दिन कारोबार और बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने का ऐलान कर दिया है। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में जुमा और इतवार के रोज कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। किसी भी किस्म के कारोबार की इजाजत नहीं होगी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कोरोना के बढ़ते वार के बाइस बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट को हफ्ता और इतवार के रोज बंद किया गया है। सूबे में कोरोना एसओपी से मुतालिक नए हुक्मनामे के मुताबिक पाबंदी के दौरान गुड ट्रांसपोर्ट को दोनों दिन सामान की तरसील की मुकम्मल इजाजत होगी। एनसीओसी का कहना है कि पाबंदी 10 से 25 अप्रैल तक आयद रहेगी। मालबरदार मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज को इस्तेस्ना हासिल होगा। फैसले का इतलाक 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब से होगा। एनसीयूसी के मुताबिक ट्रेनें 70% मुसाफिरों के साथ फाल रहेंगी। पाबंदी के फैसले पर 20 अप्रैल को नजरसानी की जाएगी, जबकि फैसले पर नजरसानी एनसीयूसी के 21 अप्रैल को इजलास के बाद की जाएगी।